नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। औरंगाबाद का नाम बदलने पर AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद पर नाम बदलने से सरकार पर करीब 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह सिर्फ सरकारी विभाग के दस्तावेजों को बदलने के लिए है। औरंगाबाद के ऊपर ये मुद्दा लादा जा रहा है और 2-3% ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को जात और धर्म के नाम से देखते हैं उसमें। अब इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये हिंदू और मुसलमान का कोई मुद्दा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। एक शहर से इंसान की पहचान जुड़ी हुई होती है। अब अगर आपने नाम चेंज कर दिए तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, इसके अलग अलग बहुत सारे ये है। मैंने खुद ने रिसर्च किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के उसके अंदर ये कहा था कि अगर छोटा शहर है तो उसको अगर चेंज करना है तो कम से कम 500 करोड़ रुपये। दिल्ली के एक सेक्रेटरी ने मुझसे ये बताया था कि सर, मतलब अगर एक मिड लेवल का शहर है जिसके अंदर औरंगाबाद अगर आता है तो 1000 करोड़ रुपये सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, 1000 करोड़ रुपये का, इससे ज्यादा होता है। और ये 1000 करोड़ कौन सा, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए, उनके ब्रोशर्स, उनके जितने भी करस्पॉन्डेंसेज होते हैं, पोस्ट ऑफिस का ये होता है, वो सब चेंज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये आपका और मेरा पैसा है। और कई 1000 करोड़ वो होता है जो आम आदमी को ऊपर भी बोझ आता है। अब अगर समझ लीजिएगा, औरंगाबाद का नाम अगर वो बदलते हैं तो मुझे आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मुझे पैन कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मेरे पासपोर्ट है तो दोबारा से है तो चेंज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड है तो वो चेंज करना पड़ेगा, दुकान है तो दुकान का बोर्ड चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो ऐसे जितने भी है इसके अंदर आपको लाइन में खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि पवार साहब या अशोक चौहान साहब या उद्धव ठाकरे साहब बोलेंगे कि नहीं नहीं ये निर्णय हमने लिए है, तुम लोग को किसी को भी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। लाइन में है तो शरद पवार साहब रहेंगे, उद्धव साहब रहेंगे, अशोक चौहान साहब रहेंगे, नाना पटोले रहेंगे, बाड़ा साहब थोराट लाइन में खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि लाओ तुम्हारा आधार कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता, पैन कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता। आम लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके अंदर भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जब है तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आप बोलेंगे औरंगाबाद जा रहा है करके और उसमें एक्चुअल में है तो संभाजीनगर है, आपके डॉक्यूमेंट्स और वो मैच नहीं होंगे तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।